आ गए घर में। अब नीचे का आपको लोकेशन दिखा दिया है और कौन से गेस्ट आए हुए हैं आप लोग को दिखाते हैं। ब्लॉग बने रहे ब्लॉग हम लोग और इधर चलते हैं किटो के पास। दिखा दिया सर मैट्रिक सारा दिखा दिए आप। हाँ दिखा दिया। तो ये आशीष भाई आ गए इधर फिर से, इनका वेलकम है। आते जाते रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगा ये आ गए, मुलाकात हो गई यहाँ पे। और सब यहाँ पे ऑडियंस हमारी जितने हैं सब लोग, मम्मी दीदी बाकी सब लोग को आप लोग जानते हो पहचानते हो। ये आशीष ये अलग आशीष है। बाबू मेरा जग गया, बाबू सोया था काफी देर तक। वो मेरे लिए जगा है, वो मेरे लिए जगा है भाई। पहचान रहा है? पहचान लिया। हे फैमिली वेलकम बैक टू अमित किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हमने शुरुआत कर दिया है ब्लॉग का और आप लोग का दिखाना चाहते हैं। इधर देखिए माता की चौकी के लिए सजावट के लिए टेंट वगैरह टेबल वगैरह फैन सब कुछ यहाँ पे सज चुके हैं। अभी और भी कुछ लगना बाकी है जो कि माता का मूर्ति स्थापित होगी, वो भी पंडित जी वगैरह लोग आएंगे तो सेटअप करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा टेंट काफ़ी रंग बिरंगे टेंट लगे हुए हैं और कूलर वगैरह लगवा मतलब लग गया है कि किसी को गर्मी अगर लगती हो तो कूलर से उनका पसीना सूख सकता है। इससे चारों तरफ फैन वगैरह लग चुके हैं, सकते हैं जैसे कि टेंट लग चुका है। और मैंने बताया ना पंडित वगैरह आएंगे तो माता की चौकी जो है मूर्ति स्थापित होगी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं ऊपर क्योंकि अमित जी अभी नहीं है, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वो गए स्टेशन, कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि एक वही है कि मतलब गाड़ी वगैरह सबको चलाना आता है लेकिन लाइसेंस हमारे पास नहीं है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो वही खुद गए हैं और रिसीव करके आते हैं, बाकी हमने सोचा चलो आप लोग को दिखाई देते हैं। तो चलते हैं ऊपर, कुछ नए गेस्ट आए हुए हैं आप लोग से मुलाकात कराते हैं, तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। A few moments later. माता की चौकी के लिए भव्य सारा कुछ चीजें सज गई थी लेकिन अभी क्या है कि बहुत ही जबरदस्त बारिश हो गई। पंडित जी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना भाई साहब, माता लग रहा है परीक्षा ले रही है हम लोगों का। अभी क्या है कि एक चीज प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे बेसमेंट में जगह अवेलेबल है, अभी वो पार्किंग अलॉट नहीं है तो अभी स्पेस पूरा है तो हम उसको यूज कर लेंगे, लेकिन थोड़ा हमारा एक दो घंटे अभी थोड़ा सा समय जाएगा। आज लेडीजें पहले तैयार हो गई। अच्छा लेडीजें सारी तैयार हो गई। कहाँ आ गए हम लोग जी? ग्राउंड फ्लोर पे क्यों निकल रहे हैं? अच्छा तो आप लोग देख सकते हो कि माता का पूरा सब कुछ यहाँ पे सज गया था लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी और पूरा सब लोग आज सब लोग पहले क्या था कि लेडीजें लेट कर दी जाए लेकिन सब लोग तैयार हो गई थी। देख रहे हो आप लोग पूरा भव्य एकदम सज गया था भाई साहब, पूरा कारपेट गीला हो गया। वो तो उनके पास और होता दूसरा बिछा देंगे। अरे बाप रे चालक पकड़ के म्यूजिक चला जो वो लोग सेटअप करते रहे तब इसके बाद धीरे धीरे लगता रहेगा। पूरा खतरनाक बारिश हो गया यार। लाइट वाले बोलते ना वो अपना लाइट धीरे धीरे पोर्शन देके मारता रहे। प्लास्टिक कुर्सी यूज होगा, ये भी तो गड़बड़ी हो गया है। यहाँ तो कितना बढ़िया स्पेस बन गया था, जगह बहुत अच्छा था, पूरा लगा भी दिया था उसने। अरे बस 20 मिनट सेटअप चालू हो जाता तो खोल दिया। उन लोग को बोलिए दो चार लोग को बुला लेते हैं। यहाँ सब गेस्ट के लिए भी जितने भी लोग आते हैं ना सबके लिए अच्छा था, सीधे यहीं से यहीं आते सीधे सब लोग। तब क्या अभी प्लेसमेंट में अब लोगों को बताना पड़ेगा ना। पूरा माहौल गड़बड़ हो गया, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। गद्दा है ना सारा सामान फिर लगने के बाद पूरा यहाँ का रोला कुछ अलग ही। अरे भाई अलग ही मजा था यहाँ का, पानी की वजह से एकदम प्रोग्राम समझ लीजिए कितना कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ का जो लुक वगैरह रहता ना पूरा बता रहे थे ये लग जाता बड़ा भव्य लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है ना। भोलेनाथ को देख रहे हो अभी इसमें बहुत बढ़िया लाइटिंग है इसमें, वो तो जब जलती तो बहुत आनंद आता है। वो तो अभी तो लगा ही नहीं। सब हट रहा है मतलब पंडित जी यहाँ माता नहीं चाह रही थी कि हमारे यहाँ जागरण करवाओ। एक बार छोड़ो तीन तीन जगह का दो दो जगह कैंसिल हुआ। सही बात है, बारिश हो गई इतना दिमाग खराब हो रहा है पता क्या, पूरा सब हट रहा है फिर।
तो मत रो, नहीं हो जाएगा, कर दिए हैं। नीचे बेसमेंट में होगा प्रोग्राम, बेसमेंट में नीचे जाकर के। हाँ नीचे बेसमेंट में जहाँ कार पार्क होती वहाँ होगा प्रोग्राम। किसके जगह मिला है? हो गया है अपने, जहाँ मेरे पार्किंग है ना, अपने पार्क से बाहर निकलो, देखो पूरा जगह नहीं खाली, जो नया बिल्डिंग है बन रहा है इसके नीचे वहाँ पे, बल्कि उसमें करा देते सीटा के अंदर। वही तो ई टावर का है पूरा, ई टावर के ऊपर से नहीं, बड़ा सा हॉल नहीं है, प्रोग्राम होता है तो उनको वहाँ पे भी। अरे भैया वो इतनी बड़ी मूर्ति लगती कहाँ लगेगी, वो कितने लोग आएंगे ई टावर के अंदर। अब इनके घर में भी प्रोग्राम है, शादी पड़ा हुआ है, लाइट सब लग रहा है उधर। आओ देखो बाहर कितना बारिश, आओ और वन्ना जी को सजाएंगे और निकालेंगे। बंद हो गया, बंद हो गया, देख रहे बंद हो गया, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना। नहीं हो गया, अब नहीं हो, हट गया, अभी बादल है, हट गया पूरा। पंडित जी क्या बोले फिर? सब लोग यही, मतलब सबकी सलाह यही हुई, जीजा मतलब विजय जीजा भी यही बोले कि यहाँ रिस्क मत लो, क्योंकि ना इधर मत जाओ, अभी मेकअप हो रहा है, इधर आओ, मतलब रिस्क मत लो, कुछ भी हो सकता है, रिस्क मत लो, कुछ भी हो सकता है, फालतू में परेशानी होगी तब यही सब। पंकज भैया इनको समझाओ कि किस लिए हम लोग फिर कह रहे हैं कि ऊपर ही करा लो, बारिश बंद हो गई। नहीं नहीं बारिश आएगा, मौसम घेरा है, देख नहीं रही हूँ। फिर सब नीचे तो अच्छे सब कुल लगवाते हैं, हाँ सब लगेगा, और हम वहाँ खड़े होकर सब करा रहे हैं ना, अभी हम लोग वहीं तो नीचे, आठ साढ़े अभी तो चालू हो जाएगा, इतने देर तक नीचे ही तो थे हम लोग। आप जो बोल रहे मौसम साफ, मेकअप कर ली ठीक है, टेंशन फ्री हो तुम, अभी मौसम साफ है, फिर आएगा तो फिर उसी आधे अधूरा भाग दौड़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और अब नीचे है तो घंटा घंटा लेट होगा, वो लोग अपना प्रोग्राम करेंगे। आज तुम लोग पहले तैयार हो गए, थोड़ा सा उधर लेट हो रहा है, बाबा अच्छा नहीं किया, बाबा नहीं माता रानी, नहीं बाबा ही, हाँ बाबा का समय चल रहा है, इसी मैंने सावन का दिन, ऐसे जिस दिन बरसना होता है तो उस दिन नहीं बरसते हैं, ऐसे एनी टाइम बरस देते हैं। हम तो फिर नीचे गई देख रहे चाय के लिए, उसको बोल दिए समझा के एकदम, हाँ समझा के उसको, और जब चाय छान देगा फिर कैसे पहुंचेगा उन लोगों तक, उसमें आप नंबर दे दो उनके, बोल दो चाय बनाई हमें फोन कर दिया, तुरंत ही ऊपर आया, चाय मैनेज कर दिया सबके, ठीक बा तो ऐसे ना पता चला वो लोग चाय नहीं पिए, इधर चाय खत्म हो जाए, ये चीज ध्यान दिया। दूध वाला आएगा तो उसको एक लीटर दूध और देना है, ठीक है आ रहा है दूध अभी। रेडी हो जाए, इतना बढ़िया सजा था ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ यहाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। लेट हो पैसे भी हमारे बहुत और खर्च हो जाएंगे फालतू में। अभी देखिए बारिश आ सकता है, मौसम और काले हो रहे हैं, ये कह रही कि बारिश बंद हो गई, करा तो पर कितना रिस्क है। फिर नीचे से पड़े जाओ, फिर ऊपर से नीचे, जबकि धूप इतना तेज, कोई मौसम क्या करते, बारिश होके खराब कर दिया। गाइस क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे इतना बड़ा फंक्शन हो और बारिश आ गई हो तो सारा बारिश गड़बड़ कर देता है। देख रहे हो आप लोग, कारपेट बिछ चुका है, माता बस माता की मूर्ति ऊपर नहीं रखी थी, बाकी सारी चीजें, मूर्ति शंकर भगवान की तरह गजब ऐसे बने हुए थे, उड़ रहे हैं ऐसे भोलेनाथ, इतना बढ़िया था, और उसमें लाइट वाइट सब जलता, तो अभी नीचे करेंगे व्यवस्था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसमेंट में बुला रही है। ठीक है गाइस, अब हम लोग को बहुत रोना आ रहा है कि मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन तो होगा, सो मस्ट बी गॉन, भले कुछ भी हो जाए लेकिन आज फंक्शन तो होगा, और थोड़ा सा लेट होगा लेकिन होगा जरूर। तो गाइस क्या करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, मुझे सारा कुछ इवेंट, आप लोग देखे भी, हम लोग इधर से गेट खुलवा दिए हैं, अब मेंटेनेंस टीम को बुलाया, दिखवा दिया उनको, तो उन्होंने बोला भाई आप यहाँ पे चेक करो, ये बात अच्छी है कि आज किसी और का फंक्शन नहीं था, किसी और का फंक्शन होता फिर दिक्कत हो जाती, वो जगह खाली थी अपने टावर में चले, फिर उसको हम लोग करा रहे। तो आप सब लोग भगवान भोलेनाथ से दुआ करिएगा कि हम लोग का सफल हो जाए, हम लोग बोले कि अगर जैसे पानी बरसेगा तो हम लोग बेसमेंट के अंदर कराएंगे, एक बार जैसे लगा कि यार कैसे कराएंगे ना, लेकिन देखो भोले कृपा, देखो फिर वही कराना पड़ गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वाले ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और खूब कमेंट करिएगा, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ को मनाइएगा, सारी चीजें सही हो जाए। लव यू ऑल, बाय बाय।